जंगलों में एक राक्षस छुपा हुआ है। पहले तुम सुनोगे गुर्राहट, फिर तुम्हें डरावनी परछाई दिखाई देगी, और फिर वो राक्षस आएगा और तुम्हें खा जाएगा। ओ अप्रैल, तुम डरावनी कहानियाँ कितने अच्छे से सुनाती हो। वो कहानी सच्ची हो ही नहीं सकती, राक्षस असली नहीं होते। नआ, ये सच है, सारा ने मुझे खुद बताया। और सहरा को ये कैसे पता चला? एक मिनट सब चुप हो जाओ, क्या तुमने वो सुना? वो राक्षस ही है। नहीं नहीं, ये हवा की आवाज थी। शायद अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम खुद जाकर देखाओ। ठीक है, मैं डरता वरता नहीं। वो आवाज इसी तरफ से आई थी, है ना? वहाँ उन झाड़ियों में। तुम जाकर देखो ना। हाँ ठीक है। वो कोई राक्षस नहीं है, वो तो खरगोश है। मुझे तो पता था, मैं तो बस तुम लोगों को डरा रहा था। क्यों नहीं, पर हमें अब तक नहीं पता वो डरावनी आवाज कहाँ से आई थी। क्या तुमने वो परछाई देखी? हो सकता है वो भी एक खरगोश ही हो, है ना? मुझे नहीं लगता कोई खरगोश इतना बड़ा होगा। फिर से मैं ही क्यों? तुम ही कह रहे थे ना सिर्फ हवा है, है ना? जाओ देखो, परछाई उस तरफ गई। तुम ये कर सकते हो ट्रॉय। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। मुझे तो यहाँ कोई राक्षस नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं, पर हम अब भी नहीं जानते कि वो डरावनी आवाज कहाँ से आई। अब मान भी लो कि राक्षस असली नहीं होते। ओह ट्रॉय, अपने पीछे देखो। मैंने कहा ना कि असल में राक्षस। राक्षस सच में है, जल्दी भागो। ऑर्फल। तुम ऑर्फल नहीं? एक मिनट, मतलब ऑर्फल ही राक्षस है? मतलब यहाँ पर कोई राक्षस नहीं है? ऑर्फल ने ऐसा क्यों किया? ये गलत बात है। चलो अब उस ऑर्फल को डराते हैं। आज क्या कर रहे हो तुम लोग? हम मॉर्फल के मनपसंद खिलौने के साथ खेल रहे हैं। मिस्टर एक्शन बहुत अच्छे हैं और हमेशा जिन्हें जरूरत होती है उन लोगों की मदद करते हैं। हाँ, जो लोग बुरे होते हैं उनकी मदद नहीं करते, जैसे प्रोफेसर इवो। अरे वाह, ऐसा करते हैं, इसमें जान डाल देते हैं जिससे ये सच में शहर के लोगों की मदद कर सके।
एक्शन। ओह, उसे जमीन पर रख दो मौफल। मैं हूँ मिस्टर एक्शन। प्रोफेसर एविल, मेरे दुश्मन, वो चीज मुझे दे दो। ओह, ठीक है। तुम तो आसानी से मान गए। ओह नहीं। चलो अब लोगों की मदद करते हैं। मिस्टर एक्शन, हमें इन्हें फिर से ठीक करना होगा मॉर्फो। जल्दी से तुम भी सुपर हीरो बन जाओ। अब समय है एक्शन का। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूं। दफा हो जाओ यहां से। मॉर्फो, पकड़ो उसे। इस औरत को परेशान मत करो। थैंक यू मॉर्फो। मुझे चक्कर आ रहे हैं। और तुम भी दफा हो जाओ। ओ नहीं! लाओ इसे, मैं पकड़ लेता हूँ लड़कों। पक्का वहां मेरी मदद की जरूरत है। ये क्या? ये लीजिए मेरे ईमानदार साथियों। पर ये दोनों तो बदमाश हैं। इसके मत सुनना, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, तुम ऐसे नहीं भाग सकते। गए काम से। तुमने प्रोफेसर एविल को हाथ में क्यों ले रखा है? क्या तुम इनकी बॉडीगार्ड हो? नहीं नहीं नहीं, ये है प्रोफेसर एविल। प्रोफेसर एविल एक खिलौना है, जैसे कि कभी तुम हुआ करते थे मिस्टर एक्शन। ये है प्रोफेसर रशीद, और इन्हें भी खिलौना नहीं होना चाहिए। ओ नहीं, मुझे ये सब बताने के लिए शुक्रिया छोटी नीली लड़की। बाल बच गए। पर अब मैं प्रोफेसर एविल से कैसे लड़ूंगा? मैं अपने आप फिर से खिलौना बन जाता हूँ। नहीं।
अब चलते क्यों नहीं? तुमने हमें पकड़ तो लिया। हाँ हाँ, बस अभी एक मिनट में आता हूँ। देखो इसे। क्या बात है। मुझे कॉस्ट्यूम पहनना बहुत पसंद है। मॉर्फल, एक सिपाही के कवच बन जाओ। मैं एक डाकू। मैं जादूगरनी हूँ। मैं ड्रैगन हूँ। तुम्हारे कॉस्ट्यूम बड़े अच्छे हैं, पर ध्यान रहे कि जब मैं बाहर हूँ घर साफ रहे। मैंने अभी सफाई की है। जी डैडी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मजे करना। मैं एक सिपाही हूँ। मैं अपने राज्य के लोगों की रक्षा करती हूँ। सिपाही मिला, मदद कीजिए। हमारे नाव के पास समुद्री डाकू आए हैं। अरे नहीं, हम जरूर मदद करेंगे। चलो उस डाकू को पकड़े मॉर्फो। मेरा नाम है डाकू अप्रैल। मैं दुनिया की सबसे डरावनी डाकू हूँ। तुम वहीं के वहीं रुक जाओ डाकू। मैं हूँ सिपाही मीला और मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूँगी। पहले पकड़ के तो दिखाओ। अरे नहीं मॉर्फल, जल्दी से एक तलवार बन जाओ। सिपाही मिला, पर मेरे लिए एक जहाज तैयार है। ये क्या? और जहाज में तोप भी है। संभल कर मॉर्फल, चलो उसके पीछे चले। मॉर्फल, मेरे कवच पर जल्दी से रॉकेट्स लगाओ। लिया समुद्री डाकू। रोर! मैं एक ड्रैगन हूँ और अब मैं तुम्हारे जहाज को जला दूंगा। मॉर्फल, जल्दी से अपनी तलवार को ढाल बनाओ। एक उड़ने वाला तोप। उस ड्रैगन को मिलकर पकड़े। बिल्कुल, मैं उस पर पानी के गुब्बारे फेंकूंगी। क्या तुम मुझे भूल गई? अरे नहीं, ये तो जादूगरनी है। मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी हूँ। हमें उसे रोकना होगा। हाँ बिल्कुल, अभी के अभी। करना होगा। पर कैसे? मेरे पास एक तरकीब है। तुमने दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी को हरा दिया। ये क्या है? मीला और मॉर्फल, मैंने कहा था कि मैंने थोड़ी देर पहले ही सफाई की है। आ,
ओ नहीं, मेरा प्यारा हैट चला गया। मिस्टर मेयर, आखिर बात क्या है? ओ मिला, बहुत बुरा हुआ। मैं अपने इस खूबसूरत शहर में अपने काम के बारे में सोचता हुआ घूम रहा था कि तभी किसी ने कहीं से आकर मेरा हैट चुरा लिया। चिंता मत कीजिए मिस्टर मेयर, वो हैट हम लेकर आएंगे। मोफुल, एक जासूसी डॉगी बन जाओ। वहीं पर रुक जाओ। मैंने देखा है वो हैट किसने चुराया है। तुमने चुराया है। मैंने? मोफुल ने? चलो देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। तो तुम यहाँ हो चोर कहीं के? मेरा कुत्ता मुझे वापस करो। आपका मतलब है मोफुल ने उसे चुराया है? मोफुल ऐसा कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। मैंने अभी अभी एक बर्थडे केक खरीदा था, तभी मोफुल कहीं से आया और मुझसे छीन कर भाग गया। आप लोगों को पूरा यकीन है कि वो मोफुल ही था? ठीक है ठीक है, मोफुल गुनहगार है, मेरे शहर में ये नहीं चलेगा। मुझे तुम्हें इसी वक्त पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा मोफुल। नहीं, नहीं, रुक जाइए, उसने कुछ नहीं किया है। मिलो। लगता है वो सब चले गए। जॉन, तुम बाहर आ सकते हो। वो सब यही सोचते हैं कि उनकी चीजें मोफुल ने चुराई है। क्या खूब चकमा दिया है हमने सबको। हाँ, चलो और सामान चुराते हैं। मोफुल गुनहगार नहीं है। चिंता मत करो मोफुल, मैं तुम्हें मासूम साबित करके रहूंगी। नहीं, मुझे मेरे सेब वापस करो। सारी चीजें इन बदमाशों ने चुराई हैं। यकीन नहीं होता, मोफुल मेरे सारे सेब चुरा कर ले गया। चिंता मत कीजिए सर, हम मोफुल को पहले ही पकड़ चुके हैं। पर ये चोरी तो बिल्कुल अभी हुई है। इसीलिए तो मुझे सबसे अच्छा पुलिस ऑफिसर कहा जाता है। ये काम मोफुल ने नहीं किया, बदमाशों ने किया है। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। बस बस, बहुत हुआ मिला। तुम हर चीज का इल्जाम हमेशा बदमाशों पर नहीं डाल सकती हो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। मोफुल, मुझे पता है ये सब किसने किया। उन बदमाशों ने सारी चीजें चुराई है, पर कोई मेरा यकीन ही नहीं कर रहा। मेरा बदमाशों को पकड़ लेगी। पर तुम्हारे बिना मैं ये काम नहीं कर सकती मोफुल। मोफुल नहीं हो सकता, मोफुल जेल में है। पर मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम अब भी मुझे सुन सकते हो मोफुल? मोफुल सुन रहा है, पर जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? मेरे औजार मुझे वापस दो मोफुल। कोई मुसीबत में है, नीचे चलो मोफुल। उसे पकड़ लेंगे। ये क्या, एक और मोफुल? और तेज मोफुल, हम उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। वो बहुत तेज आ रही है स्काई, वो हमें पकड़ लेगी। वो भी देखा जाएगा। तुम्हारी रफ्तार कुछ कम नहीं हो गई। मोफुल, जल्दी से मुड़ जाओ। एक बार और।
हमने पकड़ लिया मॉर्फल। ये चुप रहना जॉन। तुम जेल से बाहर कैसे आ गए मॉर्फल? देख रहा हूँ तुम चुराई हुई सारी चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये मॉर्फल नहीं है, ये बदमाशों का काम है। क्या? कुछ समझा नहीं। ये मॉर्फल नहीं है। यही तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही थी। बार-बार आ जाते हैं, तुमने हमें पकड़ लिया। शायद मुझसे थोड़ी सी चूक हो गई। मुझे माफ कर दो मॉर्फल, मैंने तुम पर शक किया। ये सच है कि तुम गुनहगार नहीं हो, और तुम लोगों ने इस काम में पुलिस की जो मदद की है उसके लिए मैं तुम्हें कुछ वक्त के लिए पुलिस ऑफिसर बनाता हूँ। मॉर्फल बनने का नाटक मजेदार था, है ना स्टाइन? हाँ बिल्कुल था। जहाज बनकर उड़ने वाला आइडिया जॉन है। नहीं, तुम्हारा वो कार बनने वाला आइडिया। मुझे जरूरी काम से जाना है मॉर्फल, पर वो एक सीक्रेट है, इसलिए तुम नहीं चल सकते। मॉर्फल भी चलेगा? नहीं मॉर्फल, तुम नहीं जा सकते। बाय बाय मॉर्फल। क्या हुआ मॉर्फल? डैडी को पता है मीला कहाँ है? नहीं सॉरी मॉर्फल। मीला। क्या बात है मॉर्फल? पता है मीला कहाँ है? नहीं सॉरी, आज तो मैंने उसे देखा ही नहीं। मीला यहाँ? हाँ नहीं, मीला तो यहाँ नहीं है। मॉर्फल मीला यहाँ नहीं है। मीला कहाँ है? मॉर्फल मीला तो यहाँ नहीं है। मीला कहाँ है? मीला कहाँ है? मॉर्फल हो रहा है, मेरे शहर में नहीं चलेगा। चलो आओ मॉर्फल, पक्का पता है मीला तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही है। इतनी जल्दी नहीं मॉर्फल, अभी पीछे की तरफ नहीं देखा है। इंसाफ कभी नहीं सोता, पर तुम्हें सोना है रात 9 से सुबह 7 तक। ये कार्टून देखने का टाइम है, पर टूथब्रश कर लेने के बाद। डरो मत, ये हमारा मॉर्फल है, और मॉर्फल तो सबका दोस्त है। ये सच है। ओ नहीं, मीला, मॉर्फल, वो पायरेट्स फिर से हमारे रेत के घरों को तोड़ रहे हैं। चलो उन्हें रोकते हैं मॉर्फल। हम उन्हें इतना जोर से डराते हैं कि वो और लोगों को परेशान करना भूल जाएंगे। मॉर्फल
मॉर्फल बनेगा डराने वाली शार्क। हाँ, चलो चलते हैं। कोई बात नहीं, ये एक शार्क ही तो है। हम हैं समुद्री लुटेरे, इसलिए हम शार्क से नहीं डरते। शार्क कभी भी जमीन पर नहीं आ सकते। वो तुम अभी देख लोगे। मॉर्फल, एक ऐसी शार्क बन जाओ जिसके पैर हो। इस शार्क के तो पैर भी हैं। ओ नहीं, भागो मेरे लुटेरे साथी नंबर दो। आसमानी लुटेरे, हम जमीन पर भी किसी से नहीं डरते। हथियार निकालो। अभी लाया कैप्टन। चलो उनका पीछा करें मॉर्फल। ये क्या? मजा आ रहा है। ये सब बंद करो आसमानी लुटेरों। नीचे से तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उस अजीब सी पैरों वाली शार्क के साथ। मॉर्फल अजीब है? मॉर्फल अजीब नहीं है, और वो तुम्हें पकड़ सकता है क्योंकि वो उड़ सकता है। क्या? मॉर्फल, एक उड़ने वाली शार्क बन जाओ। हाँ। ये तो उड़ रही है, मुझे डर लग रहा है। ओ नहीं, शिप को और ऊपर ले चलो जल्दी। अरे मेरा मतलब, ले जाता हूँ। हमें कभी नहीं पकड़ पाओगे। पानी, ये सब क्या है? और इसी वजह से हमारा शहर। पानी के गुब्बारे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम उन्हें नहीं हरा सकते। चलो हम चलकर उस गुफा में छिप जाते हैं। आईडिया अच्छा है, पर ये गुफा कुछ ज्यादा छोटी नहीं है। वो लुटेरे जरूर इस गुफा में गए होंगे। अंदर नहीं जा सकते। सही कहा तुमने, वो जहाज हमारा रास्ता रोक रहा है, पर मेरे पास एक आईडिया है। शायद हम फंस गए हैं कैप्टन। पर वो लाल शार्क हम तक नहीं पहुंच पाएगी, देखना। आपको यकीन है? वही लाल शार्क, उसकी नाक पर ड्रिल मशीन लगी है। हमने तुम्हें पकड़ लिया आसमानी लुटेरों, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम हमें कहाँ ले जाओगे? पुलिस स्टेशन में? नहीं, बीच पर। वो सारे रेत के घर जो तुमने तोड़े हैं, उन सबको बनाना होगा। ओ नहीं, बनाना होगा, पर मुझे तो सिर्फ उन्हें तोड़ना आता है। प्रोफेसर रशीद की टाइम मशीन के साथ अब हमें रोक पाना नामुमकिन है। हमें इन्हें रोकना होगा मॉर्फल। एक डायनासोर सुपर हीरो बन जाओ।
ये क्या हुआ? हमारे प्लान में तो ये सब बिल्कुल नहीं था। अच्छे मीला और मौफल, चलो अब इन सबको इकट्ठा करते हैं और इन सबको हिस्ट्री से पहले की दुनिया में पहुंचा देते हैं। जल्दी करो, उन डायनासोर को वहां से हटाना होगा। शायद तुम एक डायनासोर को भूल गए थे। ओ नहीं, मॉर्फल। जल्दी लैब में चलो, हमें पता लगाना है कि वो कहाँ गया। ये कहाँ फंस गया? हिलना मत मॉर्फल। अब पता चल जाएगा। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। सुनो मेरे प्यारे नन्हे दोस्त, सोच कर कितनी हंसी आती है कि एक दिन तुम बड़े और डरावने हो जाओगे। इस मशीन से जो हमने प्रोफेसर रशीद से चुराई है, इससे हम इन जानवरों को बहुत बड़ा बना सकते हैं। जू में बहुत मजा आने वाला है मॉर्फल। हाँ। मिला, मॉर्फल, वो बदमाश जानवरों को एक मशीन से बहुत बड़ा बना दे रहे हैं। ओ नहीं, हमें उनसे वो मशीन वापस लानी होगी। मॉर्फल, एक सुपर हीरो में बदल जाओ। चोरों, वो मशीन हमें वापस करो। वो तो नहीं हो सकता। जॉन, इन पर भी जादू करो। इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। हम वापस जरूर आएंगे। बहुत अच्छे, चलो सब जानवरों को उनके असली रूप में वापस लाते हैं। वो देखो, वो रहा पेंगुइन। बहुत बढ़िया, ये तो हो गया। hmm. शेर, अब तुम्हारी बारी।
पीछे मॉर्फल। हाय मंकी, चलो तुम्हें पहले जैसा बना देते हैं। पर केनेट, हम वापस आ गए। शाबाश। पर ओ ओ नहीं, तुम लोग तो बहुत छोटे हो गए हो, पर तुम अब भी बहुत अच्छे लग रहे हो। हाय मेरे दोस्तों, क्या आप हमारे साथ समय के पीछे जाने के लिए तैयार हैं? हम सब मिलकर डायनासोर के जमाने में जाएंगे। डायनासोर! वहाँ पर अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स होंगे और हम उन सब की जांच करेंगे। वो उड़ते भी हैं। हम पहुंच गए डायनासोर्स के जमाने में। देखो। ओह नहीं, वो तो वेलोसिराप्टर्स हैं। वेलोसिराप्टर्स छोटे पर खतरनाक डायनासोर हैं। ओ बाल बाल बच्चे, ओ गड़बड़ हो जाती। शुक्रिया मॉर्फल। मॉर्फल, जल्दी से एक गैलिमाइमस बन जाओ। वाओ! गैलिमाइमस दूसरे डायनासोर से काफी तेज दौड़ता है। बहुत अच्छे मॉर्फल। वहां पर देखो, उनका नाम अर्जेंटिनोसॉरस है। वो बहुत बड़े हैं, पर सिर्फ पौधे और पेड़ खाते हैं। अरे नहीं, हमें उस अंडे को बचाना होगा। मॉर्फो, तुम अब एक टेरेनोडॉन बन जाओ। दिखाया मॉर्फो, अब हमें इस अंडे की माँ को ढूंढना होगा। ये किसी अर्जेंटिनोसॉरस के अंडे जैसा नहीं लग रहा। नहीं, देखिए, अर्जेंटिनोसॉरस के अंडे वैसे दिखते हैं। चलो खोज जारी रखो। एक ट्राइसेरोटॉप्स। ट्राइसेरोटॉप्स के सिर पर तीन नुकीले सींग होते हैं। ओह, वो कितना प्यारा है। पर देखो, हमारा अंडा उनके अंडों से अलग है, है ना? तो ये अंडा ट्राइसेरोटॉप्स का अंडा नहीं है, मजेदार है। अरे? एक असली टेरानोडॉन, और वो हमें अपने अंडों से दूर करना चाहती है। और देखिए, हमारा अंडा टेरानोडॉन के अंडों जैसा नहीं दिख रहा है। चलो जल्दी से उड़ चलें। वो दोनों अंकिलोसॉरसस हैं। वो अपनी पूंछ से किसी भी चीज को बड़ी जोर से मार सकते हैं। पर उस टूटे हुए अंडे को देखो, हमारा अंडा उससे भी अलग है।
डायनासोर्स के जमाने में मगरमच्छ कैसे हो सकते हैं? मगरमच्छ लाखों सालों से इस धरती पर जी रहे हैं और वो डायनासोर्स के जमाने में भी जिंदा थे। वाह! पर देखिए, हमारा अंडा मगरमच्छ के अंडों से भी अलग दिख रहा है। ओह, शायद हम इस अंडे की माँ को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वाह, एक स्पाइनोसोरस। वो हमें खाना चाहती है, भागो! मॉर्फल, तुम एक टीरेक्स बन जाओ। एक स्पाइनोसोर टीरेक्स से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। नहीं लगता कि उसे हमें खाना है, पर फिर उसे क्या चाहिए? समझ गई, उसे ये अंडा चाहिए। ये स्पाइनोसोर इस अंडे की माँ है। ओ, हम बच गए। तुमने अच्छा काम किया मिला। मिलार, मॉर्फल, तुम कितने गंदे हो गए। ऐसा क्या किया तुमने? वो पहले तो हमें एक आंटी मिली जिन्हें हमारी मदद चाहिए थी उनकी हैट ढूंढने में। मेरी हैट खो गई है, क्या तुम उसे ढूंढने में मदद करोगे? मॉर्फल एक जासूसी डॉगी बन गया और उस हैट को हर जगह ढूंढने लगा। मॉर्फल को हैट मिल गई। हाँ, जब मॉर्फल ने वो हैट उन आंटी को दी तो वो खुश हो गई। और फिर हमें मैकेनिक जो मिला। मॉर्फल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा गाड़ी खींचने वाला ट्रक खराब हो गया। मॉर्फल बनेगा हाथी। और फिर एक डायनासोर। और फिर एक रोबोट। शुक्रिया मॉर्फल, तुम कार को खींच कर ले जा सकते थे। हमसे मदद मांगने आ गए। मैं अपनी ड्रिल बिल्डिंग की छत पर छोड़ आया हूँ। मॉर्फल क्रेन। वहाँ पर बहुत ज्यादा कीचड़ था। शुक्रिया मॉर्फल। बहुत अच्छा काम किया मॉर्फल, पर अब तुम्हें नहाना पड़ेगा। नहाना? मॉर्फल को नहाना पसंद नहीं है। मॉर्फल, बात तो सुनो। मान जाओ मॉर्फल, बस नहाना ही तो है। मॉर्फल को नहाना पसंद नहीं। Huh?
पकड़ लिया। ओ, अब। ओ, अब कहाँ चला गया? बस नहाना ही तो है। नहीं, पकड़ लिया। मॉर्फल को नहाना नहीं है। नहीं, मॉर्फल को नहीं नहाना है। मैं मदद करती हूँ डैडी। चलो शुक्र है कम से कम मॉर्फल ने नहा तो लिया। मॉर्फल को नहाना पसंद है। क्या? अब तुम्हें पसंद आया? मीला, मॉर्फल, तुम लोगों के लिए जूस तैयार है। इसे बाद में साफ कर दूंगा, पहले मुझे अपनी ये किताब पूरी करनी है। ओ नहीं, मॉर्फल का टावर। मीला, तुमने मॉर्फल का टावर तोड़ दिया। मैंने तुम्हारा टावर नहीं तोड़ा। ओ, तुमने मेरी ड्राइंग खराब कर दी मॉर्फल। नहीं, मॉर्फल ने नहीं की। बस बस, तुम लोग जाकर कुछ और क्यों नहीं करते? ठीक है। मैं हूँ प्रोफेसर इवो। मिस्टर एक्शन आ गया तुम्हें रोकने के लिए। मॉर्फल मिस्टर एक्शन बन जाए? जरूर। मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो सबको सुला देगी। नहीं, मिस्टर एक्शन तुम्हें रोकेगा। बहुत मजेदार है। इसे रास्ते से हटा देता हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ पर था? मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा मिस्टर एक्शन। अब तुम देखना। मेरा बॉक्स कहाँ चला गया? मिस्टर एक्शन। हाँ, तुमने यहाँ से बॉक्स क्यों हटाया? मॉर्फल ने बॉक्स नहीं हटाया। मीला ने मेरी बिल्डिंग तोड़ी। मैंने तुम्हारी खराब सी बिल्डिंग नहीं तोड़ी। बिल्डिंग खराब नहीं, मीला खराब है। एक बात बताऊं, मैं तुम्हारे बिना ही खेलने वाली हूँ। नहीं, मॉर्फल मीला के बिना खेलेगा। हाँ, मॉर्फल खेलेगा, मीला नहीं। मीला नहीं है, मजा नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं? मॉर्फल होता तो जरूर कुछ बना देता। बहुत ही शानदार किताब थी। मॉर्फल, सॉरी। मुझे तुम पर अपनी ड्राइंग खराब कर देने के लिए इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए था। हाँ? ओ, वो मॉर्फल ने खराब नहीं की थी, मुझसे गलती से हो गई थी। क्या? तो क्या मॉर्फल का ब्लॉक टावर भी आपने ही तोड़ा था? हाँ। और खिलौने भी आपने हटाए? हाँ। और बिल्डिंग भी आपने तोड़ी? शायद। मीला, मॉर्फल भी
फिर से दोस्त बने? हाँ बिल्कुल। जो कुछ भी मुझसे हुआ उसके लिए माफ कर दो, और माफ कर दो मैंने तुम दोनों के बीच लड़ाई करा दी। क्या मैं भी तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? हाँ बिल्कुल डैडी। बनाना शुरू करते हैं। ये कैसा शोर मचा रखा है? ओह हेलो मिस्टर वेंडबूज, हम एक ट्री हाउस बना रहे हैं। ये क्लब हाउस जैसा होगा। क्या कह रही हो, पेड़ पर एक क्लब हाउस? क्या पागलपन है। वैसे भी ट्री हाउस बनाना कोई आसान काम नहीं है, तुम लोग ये नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है हम कर लेंगे मिस्टर वेंडबूज, आप देख लेना। वाह। अब हमें सबसे पहले इन सब लकड़ियों को सही साइज में काटना है। मुझे नहीं लगता ये काम सीजर्स से हो पाएगा। मॉफल, लकड़ी काटने की आरी बन जाओ। चलो अब इन सबको जोड़ देते हैं। देखो तो जरा इन नाड़ियों को। बाकी इन्हें जोड़ने के लिए कीलों की जरूरत है। मॉर्फल, एक हथौड़ा बन जाओ। ये किसी ट्री हाउस जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है। इसमें तो छत है ही नहीं। वैसे ये इतना भी बुरा नहीं है, शायद मैं। चलो अब इसे एक असली ट्री हाउस जैसा बना देते हैं। मॉर्फल, तुम बन जाओ एक क्रेन। क्रेन? हाँ, क्रेन। क्रेन, क्रेन, क्रेन। वाह वाह वाह, जरा देखो तो बाकी, ये तो एक अच्छा ट्री हाउस लग रहा है। रुक जाओ, पहले पासवर्ड बताओ। मॉर्फल को नहीं पता। पासवर्ड है मॉर्फल। मॉर्फल। इतना शानदार ट्री हाउस मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। चलो चले मॉर्फो, एप्रिल और जॉय को लेकर आते हैं और इस नए क्लब हाउस में पार्टी करते हैं। पहले पासवर्ड बताओ। हाँ, पासवर्ड है मॉर्फल। गलत, ये पासवर्ड तुम्हारे क्लब के लिए है। अगर तुम्हें मेरे क्लब हाउस का पासवर्ड नहीं पता तो तुम अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, हमारा क्लब अपनी पिकनिक इस क्लब हाउस के नीचे गार्डन में घास पर बैठकर मना लेगा। आ जाओ बार्की, तुम्हें हमारे क्लब में शामिल होना है। क्या मैं भी तुम्हारे क्लब में आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं मिस्टर वेंडबूज। क्या बात है, तो फिर आ जाओ, पार्टी अपने क्लब हाउस में करते हैं। ये लीजिए आपके दो छोटे रोबोट जैसा आपने कहा था। बहुत अच्छे। और कुछ चाहिए? कुछ नहीं, शुक्रिया। हम चलते हैं। सारा सामान ले आए ना तुम। बहुत अच्छे, देखते हैं काम बनता है या नहीं। देखो ये लोग बदमाश हैं। देखो ये बदमाश है। नहीं, ये सचमुच बहुत काम की चीज है।
आप मेरे साथ आओ। ठीक है। मॉर्फ, तुम भी बॉल ढूंढते हुए यहाँ आ गए? नहीं। ओ, तुम कोई दूसरा खेल खेलना चाहते हो? नहीं। ओ, ठीक है, तुम घर जाना चाहते हो? नहीं। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? नहीं। मॉर्फ, वो आइसक्रीम उठा लो। मीला, खेलना नहीं है, मीला। तुम अजीब हरकतें कर रहे हो मॉर्फ, तुम किसी चीज में बदलना भी नहीं चाहते। नहीं। यही कह जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, डैडी, मॉर्फ कुछ अजीब सा हो रहा है। देखो मीला, ऐसे बात करना अच्छी बात नहीं है। हाँ तो मॉर्फ, क्या हाल है? नहीं। तुम्हें आइसक्रीम खानी है? नहीं। आइसक्रीम नहीं खानी, फिर तो कुछ गड़बड़ है। नहीं, माफ करना मॉर्फल, एक मिनट रुको जरा। देखा, मैंने कहा था ना, ये असली मॉर्फल नहीं है। बदमाश। मॉर्फल को सच में बॉल वापस लानी है? हाँ मॉर्फल, बॉल अभी लेकर आओ। ओ जरा देखो उसे, वो वही करने जा रहा है। ओ हाय मॉर्फ, तुम्हें भी खेलना है? रुको। डैडी, वहाँ देखिए। ओ नहीं, ये तो मिला के डैडी हैं, कहीं छुप जाते हैं। सुनो मिला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पस्ट, मॉर्फल, यहाँ आओ। तो फिर ठीक है, तुम खेल लो। बाय बाय मिला। बाय डैडी। बहुत अच्छे जॉन, चलो थोड़ी और शैतानी करते हैं। मॉर्फल, दीवार को पेंट करो। नहीं। ला मुझे दो, तुम बदल जाओ एक पुलिस कार में। नहीं। फायर ट्रक में। नहीं। तो फिर हाथी। नहीं। नहीं, आपने मुझे हरा दिया मिस्टर आर्चन। मिस्टर आर्चन फिर जीते, मिस्टर आर्चन है एक सुपर हीरो। ओह, काश मैं भी एक असली सुपर हीरो होती। ठीक है, मिला है सुपर हीरो। मेरे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है मेरे भोले मॉर्फ। मेरे पास है, मिला बन गई सुपर हीरो। वाह, शुक्रिया मॉर्फ। अरे ये क्या? रुक जाओ बेला। सुपर हीरो मीला आपकी बेला को वापस लाएगी। डरो मत बेला, मैं हूँ मीला और ये है मॉर्फ। ओह, तुमने तो इसे ढूंढ लिया, बहुत बहुत शुक्रिया मीला, हमारी सुपर हीरो। रुको, कहाँ जा रहे हो? ओह, तुमने तो इसे ढूंढ लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। <laughs>
सुपर हीरो मीला आपके ट्रक को रोक कर रहेगी। आप चिंता छोड़ दीजिए। शुक्रिया मीला। आइसक्रीम ट्रक को अब तक नहीं रोका है मॉफल। ओह, तुमने मेरी आइसक्रीम ट्रक को रोक लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुपर हीरो मीला। शुक्रिया मत कहिए सर, ये तो मेरा काम है। मीला देखो, बस एक बार और मारो। ठीक है स्टाइल। यहाँ से निकलना होगा। पर हम फंस गए। ये बहुत भारी है। शुक्रिया सुपर हीरो मीला। ये तो मेरा काम है, पर आप जानते हैं मेरा एक और काम क्या है? नहीं, हमको भी बताओ। चोरों को जेल में डालना। मेरे फलों में मगरमच्छ है। ओहो, बचाओ। और ये इनाम मिलता है तुम्हें। भागो। चलो इस खूबसूरत गार्डन में पानी डालते हैं स्पार्की। जरा रोको तो, ये तो पानी का पाइप नहीं है, ये तो सांप है। अब हम हैं खतरनाक जानवरों वाले बदमाश। हम खतरनाक जानवरों को चुराते हैं और उन्हें शहर में छोड़ देते हैं। पर स्टाइल, मुझे तो लगा था कि हम टाइगर को छोड़ो। होगी मॉर्फो हेल्प नहीं कर सकता। टाइगर डरावना होता है। टाइगर मेरे लिए भी डरावना है मॉर्फो। हाँ, वो बहुत खतरनाक होता है, पर तुम्हें टाइगर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इतने बड़े हो सकते हो कि टाइगर खुद तुमसे डरने लगेगा। मुझे पता है टाइगर को क्या चीज डरा सकती है। वो देखो, एक बड़ा डायनासोर। मुझे को डर लग रहा है। जानती हूँ, पर तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। अगर तुम उसे डराने में कामयाब हो गए तो फिर तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। चलो अब चलकर शहर से दूसरे जानवरों को भी बाहर भगाते हैं।
तुमने कुछ सुना मॉर्फल? इन खतरनाक जानवरों की वजह से लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर हो गए हैं। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। हाँ, और अब हम बन गए हैं फलों के लुटेरे। एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर हो जाओ। अगर हम इस शहर के सारे फल खा जाएं, तो हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है। हमें इन्हें रोकना होगा। एक बड़े से मगरमच्छ में बदल जाओ। भागो, इतना बड़ा मगरमच्छ। मेरी बात सुनो, तुम लोगों को फल चुराने की जरूरत नहीं है। मुझे भी पहले डॉक्टर से डर लगता था, लेकिन मैं फिर भी गई। और अब देखो, मुझे डॉक्टर से बिल्कुल डर नहीं लगता है, क्योंकि किसी चीज का बार बार सामना करने से उसका डर खत्म हो जाता है। सच में? आओ, तुम लोग आ गए, चलो अंदर आ जाओ। ये तो बिल्कुल डरावने नहीं है स्टाइल। शुक्रिया मॉर्फल, काम पूरा हो गया। मेरे इस नए इन्वेंशन से तुम अपने आप को मॉर्फल की तरह किसी भी रूप में बदल पाओगी। वाह, मैं कैट बन गई। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। अब मुझे पकड़ कर दिखाओ। डायनासोर! ओह हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मॉर्फल। चलो डायनासोर वाला गेम खेलें। मुझे पता है मुझे कौन सा डायनासोर बनना है। दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर। मैं हूँ अर्जेंटिनोसॉरस। और जरा मेरी ये बड़ी पूंछ तो देखो। ओ नहीं, इन्वेंशन तो टूट गया। मैं खुद को अब अपने असली रूप में नहीं बदल सकती। प्रोफेसर रशीद! हाँ, सही याद दिलाया। मुझे प्रोफेसर रशीद के पास वापस जाना होगा। पर मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मैं इन पेड़ों को पार नहीं कर सकती। मॉर्फल, एक क्रेन बन जाओ। रोबोट बन जाओ। ये क्या? मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर रशीद, मैंने आपका इन्वेंशन तोड़ दिया और अब ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसे अभी ठीक किए देता हूँ। आप इसे वापस रख लीजिए प्रोफेसर रशीद। अब से ये बदलने वाला काम सिर्फ मॉर्फल ही करेगा।